हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल और आज हम लोग फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे हमारे आईपी मेट 2022 का, है ना, इंदौर का। इसमें एक क्वेश्चन है जो बहुत टफ है और उसको मैं बहुत आसान से सॉल्व करा दूंगा, तो ध्यान से पूरा सॉल्यूशन देख लेना, ठीक है। और हाँ, बचे हुए पार्ट्स का डिस्क्रिप्शन पे ही आपको लिंक मिल जाएगा, तो लिंक पे क्लिक करके वो वाले वीडियोज़ भी देख लेना या हमारी प्लेलिस्ट पे चले आना, प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जल्दी से शुरू करते हैं, ये कुछ स्क्रीन शॉट लेके देखते रहे ना हमारे अचीवमेंट वन मैन आर्मी वाले, ठीक है। और चलो अब क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ना, कई लोग बोलते हैं अरे यार इसको तो देखते से ही छोड़ने वाला था, तो लॉजिकल क्वेश्चन था, लॉजिक लगाओगे आसानी से हो जाएगा, नहीं लगाओगे तो आसानी से नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा बस बेसिक फंडे अगर क्लियर हो तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। मैक्सिमम लोग इसमें ज्ञान देते हैं कि छोड़ने वाला था, नहीं था, और फिर अगर ध्यान से देखो अगर वैल्यू पुट करने पे आ गए हालत ख़राब हो जाएगी, एक क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं दे सकते, नहीं। चलो सॉल्व करते हैं। देखो ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया, अच्छा मीडियन पता होना चाहिए, चार नंबर है तो बीच के दो नंबर उनका एवरेज ले लेंगे। तो देखो बाय टू सब में मतलब एवरेज लिया हुआ है, बेसिकली इसको हमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। अब कैसे करें, अच्छा सवाल है, चलो ए से ही शुरुआत करते हैं। ए में है साइन थीटा की पावर साइन थीटा, ठीक है, लॉग ऑफ बेस टू कॉस थीटा, उम्मीद है क्वेश्चन सबने देखा हुआ होगा, आसान सॉल्यूशन अब बता देता हूँ। साइन थीटा की पावर साइन थीटा और किस में दिख रहा है मुझे, डी में दिख रहा है। चलो ए और डी को पहले कंपेयर कर लेता हूँ, ध्यान से समझना, बेसिक क्लियर होंगे तुरंत कर लोगे क्वेश्चन। यानी ए और डी में कंपेयर करना है तो मुझे साइन थीटा टू दी पावर साइन थीटा पे ध्यान नहीं देना क्योंकि कॉमन है। अब लॉग में भी देखो 0 टू 45 थीटा की रेंज है, तो 0 टू 45 इंक्रीजिंग होता है कॉस, है ना, कॉस इंक्रीजिंग, कॉस 0 पे 1, सॉरी कॉस क्या होता है 0 टू 1 में डिक्रीजिंग, और साइन क्या होता है इंक्रीजिंग, ठीक है। उम्मीदें पता होगा या ग्राफ बना के देख लेना, साइन का ऐसा होता है और कॉस का ऐसा होता है 45 पे मिलते हैं, तो ये इंक्रीजिंग ये डिक्रीजिंग, ठीक। लेकिन कॉस और साइन में कंपेयर करें 45 तक में, ठीक है, तो कॉस की वैल्यू ही साइन से बड़ी रहेगी, बस इतनी चीज़ दिमाग में लगानी थी, वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं है। 0 से 45 की रेंज में कॉस बड़ा रहेगा साइन से, इतना तो हमें पता ही है, ठीक है, इतना समझ में आ गया, बस यही चीज़ दिमाग में लगानी थी। तो वैल्यू एज्यूम करने पर हमें समय खराब नहीं करना था, ठीक, यहाँ तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखो ए और डी में साइन थीटा टू दी पावर साइन थीटा कॉमन, इस पे ध्यान नहीं लगाना, और लॉग भी देखो जो ये रहेगा इंक्रीजिंग रहे, भाई जिसकी वैल्यू बढ़ी उसका लॉग भी बढ़ा, है ना। लॉग का ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ बस सब पता होना चाहिए, ऐसा इंक्रीजिंग वाला ही रहता है, तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो लॉग भी बढ़ा ही रहेगा, ठीक है। तो ए और डी में अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे समझ में आ गया कि भाई ए बड़ा रहेगा डी से, ख़त्म, कोई वैल्यू नहीं रख के कुछ नहीं किया, बाद में आप क्रॉस चेक करते रहना, ठीक है। ए और डी आ गया, चलो अब ए में है साइन थीटा टू दी पावर साइन थीटा और लॉग ऑफ बेस टू कॉस थीटा। अब देखो सी में भी मुझे लॉग ऑफ बेस टू कॉस थीटा दिख रहा है ये, तो अब मैं ए और सी को कंपेयर कर लेता हूँ। इस बार लॉग ऑफ बेस टू कॉस थीटा दोनों में सेम है, ठीक है, अच्छा लेकिन इस बार लॉग सेम है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, लॉग की इसमें जितनी भी वैल्यूज होंगी, है ना, साइन और कॉस दोनों 0 टू 1 के बीच में ही होते हैं, तो नेगेटिव लॉग देगा, इतना बस क्लियर होना चाहिए फंडा। तो अब इसमें से एक ये दिया एक ये दिया, ठीक है, एक्चुअल में जो पॉजिटिव में वैल्यू बड़ी होगी वो छोटी होगी, है ना, क्योंकि नेगेटिव साइन के कारण वो छोटी हो जाएगी, इतना सा दिमाग लगाना था। अब देखो दोनों का बेस साइन थीटा है ए और सी में, लो ये और आसान हो गया। और अभी मैंने कहा कि कॉस बड़ा होगा साइन से 0 टू 45 की रेंज में, है ना। अब पॉइंट में जैसे जैसे पावर बढ़ती है वैल्यू और छोटी होती जाती है ना, तो पॉजिटिव में अगर सिर्फ बात करते तो सी छोटा होता ए से, लेकिन लॉग के कारण ये होना है नेगेटिव, तो सी बड़ा हो जाएगा ए से, तो सी अगर ए से बड़ा हो गया मतलब डी से भी बड़ा होगा। अब आखिरी क्या बचा अपने पास, डी और बी में कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है ना, कितना आसान तरीके से समझा दिया। अब बी में देख लो लॉग ऑफ बेस टू साइन थीटा, लॉग ऑफ बेस टू साइन थीटा इसमें भी है,
दोनों में है, बस वही चीज़ इसमें भी नेगेटिव होंगे, है ना, तो उल्टा कर देना है। अब डी और बी में देख लो, डी और बी में दोनों की पावर सेम है, ठीक है, सीधी बात है, कॉस बड़ा होता है, पावर सेम है, कॉस बड़ा है, लेकिन वापस से वही चीज़, वापस से वही चीज़ क्या, नेगेटिव में है, तो कॉस बड़े की जगह क्या हो जाएगा, नेगेटिव में छोटा हो जाएगा। तो ये फाइनली आपकी हो जाएगी रेंज बी देन डी देन ए देन सी, इन दोनों का एवरेज बताना था, ए प्लस डी बाई टू, खत्म। समझाने में टाइम लगा, 2 मिनट के अंदर का क्वेश्चन, तो अब मैक्सिमम लोगों ने छोड़ा होगा, ये मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, है ना, अब खुद ही समझदार हो, ऐसे रैंक आती है, ऐसे ही नहीं आ जाती। सेकंड से पहले अगर किसी को हमारा कोई भी कोर्स परचेस करना हो तो ये डिटेल्स दी हुई हैं, वेबसाइट पे जाके आप परचेस कर सकते हो, ठीक, ये 24 का या 25 का, ठीक। सेकंड तो बहुत आसान पूछ लिया इन लोगों ने, ठीक है, 5 डिजिट नंबर है ए बी सी डी ई डिविजिबल बाय 6 से, मतलब ये नंबर 3 से भी होगा और 2 से भी होगा, 2 से भी होगा मतलब ई इवन नंबर होगा। इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको एक ही चीज़ सोचनी थी, ई क्या होगा, इवन होगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर नॉट नेसेसरली डिविजिबल बाय 6, देखो इस ऑप्शन के भी आखिरी में ई है, इसमें भी ई है, इसमें भी ई है, तो इवन नंबर तो है, इसमें ए है, अगर मान लो तुक्का भी आप लगाते तो आपको ए नहीं पता इवन होगा कि ऑड होगा, है ना, तो आप डी ही लगाते, है ना, क्योंकि ये तो इवन है, हो सकता है 6 से हो जाए, लेकिन ए तो पता ही नहीं, अगर ऑड हुआ तो 6 से कैसे होगा, खत्म, इतनी देर का था। अब मान लो ई 2 भी है तो 2 2 2 6 हो जाएगा, ये 6 से डिवाइड हो जाएगा, है ना, इसमें आप कोई भी वैल्यू ले लो, ठीक है, ये ए बी सी डी कहाँ गया, ए बी सी डी ई तो आ ही रहा है ना, 2 बार बी आ गया, 2 बार सी आ गया, 2 बार डी, ये भी हो जाएगा, और इसमें उसी को रीअरेंज कर दिया है लेकिन ई को आखिरी में रखा है, तो इसको भी होना है, सारे हो जाएंगे। डी में बस डाउटफुल है क्योंकि ए हमें नहीं पता इवन है कि ऑड है, आसान था। थर्ड क्वेश्चन, 400 मीटर की रेस है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए होंगे, है ना, बिल्कुल आराम से बेसिक से बता देता हूँ। 400 मीटर की रेस है, ए ने बी और सी को हराया 15 और 25 सेकेंड से, ए ने बी को हराया 150 मीटर से, देखो दो कंडीशन दे दी, अपने आप स्पीड सब कुछ निकल आएगा। बी 150 मीटर कितने सेकंड में कवर कर रहा है, 15, इसका यही मतलब हुआ क्योंकि ए बी को या तो 15 सेकंड से हरा रहा है या 150 मीटर से, यहाँ से मेरे को बी की स्पीड पता चल गई, 150 बाय 15 10 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ से मुझे टाइम टेकन बाय बी भी पता चल जाएगा, पूरी रेस को कंप्लीट करने में बी कितना टाइम लगा रहा होगा, 400 बाय 10 40, है ना, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब बी को अगर 40 सेकंड्स लग रहे हैं तो ए को कितने सेकंड्स लग रहे होंगे, इससे 15 सेकंड्स पहले पहुंच गया ये, तो 25 सेकंड, 40 माइनस 15। सिमिलरली सी को कितना टाइम लग रहा होगा, सी को ये 25 सेकंड से हरा रहा है, तो ए अगर 25 सेकंड में पहुंच गया तो सी इसके 25 सेकंड के बाद पहुंचा होगा, यानी सी 50 सेकंड में पहुंचेगा। अब बी और सी की बात चल रही, तो देखो टाइम का रेशियो अगर 4:5 है बी और सी, यानी डिस्टेंस का रेशियो 5:4 होगा, और 5 मीटर की अगर रेस होती तो बी सी को 1 मीटर से हराता, ये रेस कितने की है, 400, तो 400 बनाने के लिए मुझे 80 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसमें भी 80 हो जाएगा, और कितने से हराएगा, इंटू 80 मीटर से हराएगा। इतनी देर का ये क्वेश्चन था, आसान था, तरीका भी सीख गए होंगे। फोर्थ क्वेश्चन सिंपल है, अर्थमेटिक का फॉर्मूला ही लगाना है बस, सम ऑफ 15 टर्म्स क्या होता है, n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 15 माइनस 1 14d इज इक्वल टू 200, है ना, पहले पूरा लिख लेते हैं बाद में सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट 15, यानी देखो शुरू की 15 और अगली 15 टोटल मिला के शुरू से ही हमें फॉर्मूला याद रहता है, तो शुरू से तो 30 टर्म्स हो गई, तो 30 बाय 2 2a प्लस 30 माइनस 1 29d इज इक्वल टू 200 और 350, दोनों को ऐड कर दो 550। अब सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो 15 की टेबल में आएगा क्या, नहीं आएगा, तो मत करते हैं, डिवाइड कर दो,
तो 2a प्लस 14d अपॉन 2a प्लस 29d, 2 से 2 गया 15 बाय 30, 1 बाय 2 इधर आ गया इज इक्वल टू 20 बाय 55। इसमें से 2 कॉमन निकाल लूँ तो a प्लस 7d बचेगा, ये 2 हट गया। अब 50 इसको भी कैंसिल कर दें 11, तो 11a प्लस 77d इज इक्वल टू 4 2 जा 8a प्लस 29 4 जा 120 माइनस 416d। तो 3a इज इक्वल टू कौन सा d आ गया 39d, a इज इक्वल टू 13d आ गया। जो पूछा बता दो, a इक्वल टू 13d इधर रख देते हैं पहली इक्वेशन में, तो 15 बाय 2 इधर लिख देता हूँ, 15 बाय 2 इंटू 13 टू जा 26 है ना, 13 टू जा 26 प्लस 14 40d, यही होगा ना, 26 प्लस 14 40d इज इक्वल टू 200। तो 2 या गया 20 या गया 10, तो d इज इक्वल टू 10 बाय 15 मीन्स 2 बाय 3 ऑप्शन ए। फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला देख लेते हैं फिफ्थ, सारे क्वेश्चन आसान थे ठीक है। आयशा इज स्टैंडिंग अटॉप वर्टिकल टॉवर 200 मीटर हाइट, ऑब्जर्व द कार मूविंग अवे फ्रॉम द टॉवर। आयशा यहाँ पे एक टॉवर के ऊपर खड़ी हुई हैं, एक कार देख रही हैं जो दूर जा रही है। 11 AM पे उसने देखा, 45 था यानी 11 AM पे 45, ये सबसे अच्छी चीज़ होती है, 45 है यानी ये H होगा तो ये भी क्या होगा H। फिर क्या हुआ, 2 मिनट के बाद ही 30 डिग्री का हो गया, मतलब ये एंगल ये जो 30 डिग्री हो गया, कार यहाँ तक पहुँच गई। 30 डिग्री यानी 1/√3 होता है, तो ये H रूट 3 हो जाएगा, यानी ये 2 मिनट में इसने ट्रेवल कितना किया, H इंटू रूट 3 माइनस 1, ठीक ये डिस्टेंस हो गई। स्पीड बतानी है बता दो, है ना, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस, है ना। अच्छा ये भी 200 दिया हुआ है तो H की जगह 200 लिख दो, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा स्पीड की सॉरी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम क्या 2 मिनट, 2 मिनट मतलब सेकंड्स में लिख दें तो 120 सेकंड्स, तो ये हमारा आ गया मीटर पर सेकंड में। सॉल्व कर लेते हैं, फाइव बाय थ्री कैलकुलेशन चेक कर लेना, 200 अपॉन 120 दो मिनट, हाँ सही है 5/3। अच्छा वो पॉइंट्स में तो रूट 3 1.73 होता है, माइनस 1 कर दो तो 0.73, ठीक है। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज कर दो क्योंकि ऑप्शन किलोमीटर पर आवर में है, तो 18/5, 5 से 5 कैंसिल और ये 3 6 है 18, तो 6 इंटू 0.73 है ना 4.38, ऑप्शन बी 4.39, आसान था ठीक है। और हाँ अभी तक अगर आपने IPMET 300 नहीं लिया है और अभी तक वीडियो देख रहे हो, अगले 10-12 दिन में आपको लगता है आप कर लोगे, तो हमारी वेबसाइट catipmet.com/IPM300 पे जाके आप परचेस कर सकते हो, और वीडियो पसंद आते हो तो सब्सक्राइब भी किया करो चैनल को, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।